अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू टू माय क्लास शायद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास बेसिकली मेरा पेड बैच था, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई थी तो मैं एप्लीकेशन पे आज क्लास नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए क्लास लाई है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 10 यूजीसी नेट जेआरएफ क्लास 2024। ठीक है, तो आप जानते हो कि दो लेक्चर्स में हमने 15 15 क्वेश्चन किए, दैट मीन्स 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये इस सेशन को भी एंजॉय करोगे और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताएंगे कि अगर क्या क्या कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। तो इट डिपेंड्स हम कितने क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंगली आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन आप अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन वी आर डन, नाउ इट इज 31 क्वेश्चन। व्हाइल टीचिंग अ टीचर क्वाइट ऑफन ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट इज हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज इन कंपेरिजन, राइट, coupled with the lack of concentration and showing symptoms of being hyperactive, for such a case that will be most plausible cause. तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लो और चार ऑप्शन में से आपको एक बेहतरीन ऑप्शन चूज करना है। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीन ऑप्शन है ना, तीन ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पैराप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, मोनोप्लेजिया, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया है ना, बाइप्लेजिया जिसमें दो लिम्बस पैरालिस होंगे, क्वाड्रिप्लेजिया में चारों के चार लिम्बस है ना, पैराप्लेजिया मीन्स अपर पार्ट और लोअर पार्ट है ना। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पैराप्लेजिया तो नहीं आएगा, क्वाड्रिप्लेजिया नहीं आएगा, टॉर्टर सिंड्रोम ये टिक डिसऑर्डर है तो ये भी नहीं आएगा। इसलिए आपको पता है मैंने स्पिना बिफिडा आपको अच्छे से पढ़ाया जिसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड हाइपर एक्टिव जैसे चीजें होती है। ठीक है, तो इट इज स्पिना बिफिडा। तो स्पिना बिफिडा इज एक्चुअली रिलेटेड विद लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड सिम्टम्स बीइंग हाइपर एक्टिव, राइट माय डियर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये पेड बैच में हम पढ़ चुके हैं, जो जहां पे आप पढ़ रहे हो ना तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 32? क्वेश्चन नंबर 32, एज पर नेशनल सैंपल सर्वे, अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे की बात करेंगे, व्हाट परसेंटेज, ये जो ये नेशनल सैंपल सर्वे इट इज एक्चुअली 2021, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज काउंटेड एज डिसेबल्ड। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको पता है, लेट मी टेल यू फिगर, इट इज 26.8 मिलियन, राइट माय डियर, 26.8 मिलियन। इसका मतलब है इट इज 2.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज काउंटेड एज डिसेबल्ड, ये याद रखना बेटा। तो इट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या याद रखनी है, सो फार एज मेल डिसेबल्ड चाइल्ड इज कंसर्न, इट इज 2.41%, मेल इसमें 2.41 है और फीमेल इसमें 2.01 है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करके रखेंगे, मे बी नेक्स्ट सेशन में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके माय डियर। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 क्वेश्चन जो है, व्हाट इट इज, Which of the following can be positive strength for normal children in inclusive classroom? देखो बेटा, classroom inclusive है, inclusive में normal बच्चे अगर disabled बच्चों के साथ रखा जाए तो उनको क्या फायदा मिलने वाला है, उनको क्या, देखो mental development already उनमें होती है तो ये वाला option तो नहीं है। mental development already होता है, motor भी होता है, collaborative भी होता है, तो इसलिए ज्यादा उनमें social skill easily develop हो सकता है, emotional मैंने बहुत अच्छे से भी ये आपको पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है बेटा, 33 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉजिटिव स्ट्रेंग, तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है इट इज सोशल स्किल्स डेवलप इजिली। ठीक है बेटा, तो विच ऑफ द 33 क्वेश्चन फिर से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉजिटिव स्ट्रेंथ फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन
इन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो मेंटल डेवलपमेंट ऑलरेडी उनमें होती है, मोटर डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिव, तो इट इज द सोशल स्किल डेवलपमेंट, और समटाइम्स इट इंक्लूड्स इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल। तो 33 का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके यस, तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34? वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम इज, आपको बताना है कि एक बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है। देखो ऑप्शन ए क्या है, टीचर ऑर्गेनाइजेस द क्लासरूम विद द स्कोप ऑफ हिटेरोजेनिटी इन द क्लासरूम। ओके, नंबर बी, टीचर टेक्स प्लेस टेक स्पेशल केयर ऑफ डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। देखो बेटा ये तो यहां पे ही आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ये स्पेशल चाइल्ड की बात कर रहा है। इंक्लूसिव क्लासरूम में खाली टीचर स्पेशल डिसेबल्ड का केयर नहीं करता है, वो हमेशा सभी बच्चों को केयर करता है, डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है। ठीक है, तो बी वाला तो नहीं आएगा। सी पार्ट देखिए, टीचर सीक्स द सपोर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट टू हेल्प स्लो लर्नर। अगेन ये स्पेसिफिक की बात कर रहा है, स्लो लर्नर की बात कर रहा है, तो नहीं आएगा। डी ऑप्शन, टीचर शो सिंपैथी टू डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। अरे भाई अगेन इसने स्पेसिफाई किया है इंक्लूसिव में, इट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स हिटेरोजेनिटी, राइट माय डियर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 34 का क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इंक्लूसिव क्लासरूम का यही होता है कि टीचर ऑर्गेनाइजेस द क्लासरूम विद स्कोप ऑफ हिटेरोजेनिटी इन द क्लासरूम, दैट इज डाइवर्सिटी, राइट माय डियर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते बेटा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 35 एक विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है और आपको इंशाल्लाह याद भी होगा, क्या है? टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स। याद रखेंगे, व्हेन यू से इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद जनरल कम्युनिटी, तो आपको मैंने बताया इट इज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो आप क्या करोगे, आपको अब खुद गूगल करके देखना है कि वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इसकी डेफिनेशन है, स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इसकी क्या डेफिनेशन है। तो आपको याद रखना है ये जो 35 वाला क्वेश्चन है ना, 35 वाला क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986। तो 1986 क्या याद रखा आपने, वो कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स। ओके फाइन, वेरी नाइस वेरी नाइस। 35 हो गया, चले भाई 36 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर ही रिपीट होता है। 36 आपने देखा होगा, सर्वशिक्षा अभियान, राइट, SSA सर्वशिक्षा अभियान, इसका दूसरा नाम है एजुकेशन फॉर ऑल, पढ़े भारत बड़े भारत, राइट। तो adopted which of the following, इसने कौन सा principle adopt किया? option A zero resource room policy, zero rejection policy, zero acceptance policy, zero home based education policy। अरे भाई ये कितनी बार मैंने repeat किया है, it is zero rejection policy, it is the option number B, that is very right। okay तो चले बेटा 37 की बात करते हैं। 37 में हाँ ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, UNCRPD जो प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस हमने आपको पढ़ाए थे, उनमें से एक प्रोविजन है UNCRPD का आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इट इज यूनाइटेड नेशन, राइट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एज फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी। ठीक है, ये रिपोर्ट राइट टू एजुकेशन करता है, ये किस आर्टिकल में, चूंकि आपको पता है इसमें 50 आर्टिकल है, याद है बेटा, और उन 50 आर्टिकल्स में से इट इज द आर्टिकल 24, यस आर्टिकल 24 में ये मेंशन किया गया, डिस्कस किया गया राइट टू एजुकेशन इन UNCRPD। ओके यू गॉट इट माय डियर, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 तो हो गया, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 38, यस ओके बेटा, तो ये वाला पार्ट भी देखो। 38 क्वेश्चन क्या है, फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN कभी एब्रिविएशन भी आ सकता है बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज लेट डाउन इन SSA वॉज बेस्ड ऑन। जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं वहां पे एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी ऑप्शन मॉडल। मल्टी ऑप्शन मॉडल का मतलब ये है डाइवर्सिटी, है ना बेटा, तो अभी खुद भी कर सकते थे। मल्टी ऑप्शन मॉडल जो है ये वो मॉडल है जिसमें चिल्ड्रन विद
स्पेशल नीड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो लेट डाउन करता है ऐसे, वो कौन सा मॉडल है? इट इज मल्टी ऑप्शन मॉडल। तो आप ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा 39, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यस 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 यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चले बेटा 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ डिसएबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995। आपको पता है 1995 जो पीडब्ल्यूडी है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें सेवन कैटेगरीज को रखा गया, सेवन कैटेगरीज को रखा गया। आपको बताना है इन पांच में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, वहां पे उन सेवन डिसेबिलिटीज में ब्लाइंडनेस भी है, हियरिंग इंपेयरमेंट भी है, मेंटल रिटार्डेशन एंड इलनेस भी है, लेकिन उन सेवन डिसेबिलिटीज में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए बी एंड सी ओनली। तो कहीं पे है बेटा? यस देयर इट इज सी ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट आंसर सी ऑप्शन। क्या क्या? ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है 1995। अब इसको जब रिवाइज किया 2016 में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है 2016 पीडब्ल्यू आरपीडब्ल्यू, राइट माय डियर? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने डिसऑर्डर्स की बात की गई है 2016 में। चलिए बेटा 40 क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, Which of the following, ये देखो, which of the following statement describe the major purpose of mental hygiene? आपको major purpose of mental hygiene बताना है क्या है। देखो A part क्या है बेटा, A part prevention of mental disorder, सही बात है। Preservation of mental health of the individual and the group, ये भी मुझे लगता है सही है। C option जो है, satisfaction of security and no, security मुझे लगता है नहीं आएगा। डिस्कवरी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ थेरेप्यूटिक मेजर्स ऑफ क्योर मेंटल हेल्थ, तो ये भी मुझे लग रहा है अच्छा है। प्रमोटिंग बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखो ई वाला और सी वाला, तो इसमें उतना ज्यादा मसला नहीं है या इसमें उतना ज्यादा ना दम नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ए बी एंड डी, दीज आर द थ्री दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कहीं पे है, यस बी ऑप्शन आपका सही है, ए बी डी इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 41, ओ माय गॉड, दैट इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस तरह से देखो बेटा, आपको मैच करना है, मैच खेलना नहीं है, मैच करना है। ये लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं मैच कैसे करते हो आप लोग मैच कैसे करते हो। देखो, डिस्पेरेक्सिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, डिसग्राफिया। देखो बेटा, आपको तो तीन आएंगे। अगर डिस्पेरेक्सिया आपको नहीं आता है चलेगा, लेकिन डिसलेक्सिया आपको तो पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया मीन्स राइट रीडिंग है ना, यस एबिलिटी, पर्सन हैव पुअर एबिलिटी टू रीड, कहीं पे है बेटा? आप जाके देख लो। शाबाश। डिसलेक्सिया, एडीएचडी क्या है? एडीएचडी में आपका मतलब डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग मूवमेंट्स, तो सी का आपका आई भी आएगा, ठीक। डिसग्राफिया में राइटिंग है ना, सॉरी, ये जो एडीएचडी है ना, एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन, इट इज रिलेटेड विद अटेंशन। तो सी का डायरेक्टली वन आएगा, सी का यहां पे वन आएगा, यस सी का वन। डिसग्राफिया देखो, डिसग्राफिया जो है इट इज राइटिंग है ना बेटा, तो डी का क्या आएगा? अब देखो, डिफिकल्टी इन राइटिंग, तो डी का थर्ड आएगा। ए सी का वन, डी का थर्ड, सी का वन, डी का थर्ड। चलिए भाई, हो गई ये। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है बी का क्या आएगा? डिसलेक्सिया जो डिफिकल्टी लिटरेसी यानी लिटरेचर ना, रीडिंग राइटिंग वो लिख नहीं पा रहा है या सॉरी पढ़ नहीं पा रहा है, तो डिसलेक्सिया इज टू।
बी का टू आएगा, ठीक है, बी का टू आएगा। अब बचा कौन, डिस्पैरेक्सिया। डिस्पैक्सिया मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, डिस्पैरेक्सिया इज रिलेटेड विद डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ए का जी बेटा आएगा आईवी, ए का आईवी आएगा। ए का आईवी कहां कहां पे है देखो, ए का आईवी बी का टू, ए का आईवी यहां पे, ए का आईवी बी का टू, तो डी ऑप्शन आपका सही जा रहा है बेटा, तो डी ऑप्शन इज हियर वेरी राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, जाके लेक्चर्स देख लो, मेरे पेड बैच में लेक्चर्स देख लो, तो वहां पे सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। चले भाई 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक, यस फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक एड्स टू डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इज अ मूव टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग, क्या है ये, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रिलीफ टू द सोसाइटी इन जनरल। फ्री यूनिफॉर्म ये डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स की बात करता है, तो इसलिए ध्यान रहे। इंसेंटिव टू चिल्ड्रन कंपल्सरी, नो ये जनरल बोल रहा है। चेक आउट ड्रॉप ये भी जनरल बोल रहा है। हैंडीकैप टू कंपल्स, यस हैंडीकैप ये वाला ऑप्शन सही है। तो माय डियर इसका जो राइट आंसर है ना 42 का वो है डी ऑप्शन, हैंडीकैप्स टू कंपनसेट इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। ओके ग्रेट माय डियर, तो चले बेटा अगेन यू हैव अ मैच टाइप क्वेश्चन हियर। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, मैच ए और मैच बी। देखो बेटा 1987 क्या है, 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट है, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ए का जी आएगा टू, ए का जी टू आएगा। अब अगर आप देखोगे ना, ए का टू खाली एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये पहला ही है, ए का टू किसी और में नहीं है, मत है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। अब चलिए 1992 जो है ये आरसीआई है, आरसीआई जो ये तो बी का थर्ड आएगा, है ना बी का थर्ड। चलो 1995 है ये पीडब्ल्यूडी है, तो सी का आएगा वन, सी का आएगा वन। 1999 जो है व्हाट इज इट, डी ऑप्शन क्या आएगा, इट इज नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड एक्ट, तो डी का यहां पे है आईवी, डी का यहां पे है आईवी, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है यार, कमेंट करो जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ पर्सन इज कंसिडर्ड और क्लासिफाइड एज, अरे यार लीगली ब्लाइंड का क्या इक्विटी है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया जल्दी 20 to 200, इसको भी है ना 20 to 200 है कोई ऑप्शन, सर यस सर है ना 20, ये है बी ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट आंसर। चलिए बेटा अनदर क्वेश्चन जो है दैट इज 45, एपिलेप्सी इज अ काइंड ऑफ, यस ये तो पता ही है, एपिलेप्सी जो है ये न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, ठीक है, इट इज सी इसमें, इन विच द ब्रेन, यस एपिलेप्सी इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप यहां पे देख सकते हो, एपिलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल काजिंग सीजर्स, राइट, seizures or periods of unusual behavior, sensation and sometimes loss of awareness. तो I hope बेटा आपको ये 45 questions बहुत अच्छे से आए होंगे, ठीक है। तो these were हमने 30 पढ़े थे और 40 yes, तो आज और 15 questions हमने आपके साथ discuss किए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। So this was all, inshallah of Monday I will be back on the application or live classes. Till then, goodbye. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. अपना हाँ yes, अपना score share करेंगे आप comment box में, ठीक है? Thank you, dear.